अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिजी आपके साथ दोबारा है सख्त लौंडा चैलेंज लेके। और आज जुमा है तो आप सबको जुमा मुबारक। और आज सुबह के 7:15 हो रहे हैं तो आई जस्ट वेक अप, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, उसमें थोड़ा बताऊं कि आज के वीडियो के बारे में। तो थोड़ा सा आपको बताते हैं, कुछ चैलेंज इस तरह से है कि पर्पल फूड खाना है। पर्पल फूड का कुछ भी मिलता है पीने के लिए खाने के लिए, तो हम बाय करके वही खाएंगे, क्योंकि 24 आवर तक हमें पर्पल फूड पे ज़िंदा रहना है। एक्चुअली ये चैलेंज है। तो पोलिंग की थी मैंने, तो उसमें एज यू सी ऑन द स्क्रीन उसका रिज़ल्ट, पर्पल फूड के वोट्स ज़्यादा मिले हैं, तो इसलिए पर्पल फूड ही खाएँगे। तो लेट्स सी एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी फ्रेश होकर चलते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मिल सकता है हमें पर्पल और किधर किधर से मिल सकता है। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। अब हम जा रहे हैं अजमान, जहां एक सुपरमार्केट है। वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड के आपको वहां से पर्पल फूड मिल सकता है, ड्रिंक भी मिल सकती है, ब्रेड भी है उधर की पर्पल। तो आई डोंट नो कि कितना सच है कितना झूठ है, मुझे खुद नहीं पता। अभी जाके उधर देखते हैं, अजमान जा रहा हूँ तो उधर जाके आपको बताता हूँ कौन सी सुपरमार्केट है और उधर मुझे क्या क्या स्टफ़ मिला है पर्पल, जो कि मैं आज का दिन खा के गुजारा कर सकता हूँ, क्योंकि जुम्मा प्रेयर थी। जुम्मा प्रेयर पढ़ते पढ़ते टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अब हमें आफ्टरनून में निकलना पड़ रहा है। तो नो इशू, वैसे भी मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं करता, तो इट इज़ बिट ऑफ कॉमन फॉर मी एक्चुअली, एवरी डे सेम रूटीन। तो अभी जाते हैं वहाँ, जाके देखते हैं अगर कुछ चिप्स मिल सकते हैं पर्पल, या कोई ब्रेड, या कोई डोनट्स, केक, कुछ ड्रिंक मिल सकती है पर्पल, तो लेके आते हैं और फिर उस पर गुजारा करते हैं। सो लेट्स कम। और हम आगे हैं, इधर नाम है इसका मेट्रो मनीला हाइपर मार्केट LLC। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सो वी विल गो इनसाइड और चेक करते हैं कि अंदर मुझे मेरे मतलब की चीज़ मिलती है कि नहीं। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, स्टार्टिंग तो बहुत मज़ेदार गई, क्योंकि आई फाउंड ऑलरेडी वेफर बिस्कुट्स हैं, जो कि आप नॉर्मली हम लोग खाते हैं स्टिक्स वाले इस तरह के, ये पर्पल कलर में मिले हैं मुझे ऑलरेडी। सो वन टारगेट ऑलरेडी अचीव। सो ये जाएगा बास्केट में। दूसरा मुझे एक ड्रिंक भी मिला है मिल्क टी का, पर्पल फ्लेवर में, वो भी मैं बाय करूँगा इंशाल्लाह, वो आपको दिखाता हूँ जाके उधर। बाकी कुछ और चिप्स और स्नैक्स देखते हैं, कोई पर्पल में मिलते हैं अगर हमें तो। इधर बहुत फिलिपिनो हाइपर मार्केट है, तो इसमें बहुत वैरायटी है पर्पल में। तो ये मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, ये आई डोंट नो कि ये अंदर से पर्पल है कि ब्राउन है, इसको आप ब्राउन कहेंगे कंसीडर करेंगे, आई डोंट नो। तो देखते हैं, थोड़ा और सर्वे करते हैं तो आपको बताते हैं और क्या क्या मिल सकता है एक्चुअली। यस, तो सेकंड चीज़ हमें मिली है यहाँ, ओटैप करके बिस्कुट्स का नाम है, ये यूपी फ्लेवर है, ये भी पर्पल कलर का, इसके ऊपर लिखा हुआ है एज आप देख सकते हो, यूपी फ्लेवर पर्पल यम फ्लेवर। सो ये भी जाएंगे। तो बाकी और इधर ये पता नहीं क्या है, ये केक टाइप कुछ है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये केक है ये क्या है, ये भी पर्पल है, बट आई हैव टू बी केयरफुल एक्चुअली, कुछ भी ख़रीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहा हूँ मैं कि हलाल ही है ना। तो इसके अंदर वीट फ्लोर है, स्किम मिल्ड है, केन शुगर, पर्पल यम पाउडर एंड बटर, तो हलाल है। यस, वी कैन टेक दिस ऑल्सो। तो हमें एक्स्ट्रा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें एक जगह पे ही सब कुछ मिल गया है। पर्पल क्रिसम, पर्पल फूड, पर्पल बिस्किट्स, पर्पल ब्रेड भी मिल गई है और पर्पल जैम भी मिल गया है। अब सिंपल
तो मैंने चीज़ें खरीद ली हैं पर्पल, बट एक प्रॉब्लम आई है। अंदर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उनका मैनेजर है अशरफ, जो कि कहता है कि रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है इधर, आप यहाँ से बाहर जाएं। तो जिस वजह से मैं आपको सारी चीज़ें आइटम नहीं दिखा सका, किधर किधर पड़ी है, कौन कौन सी शेल्फ में है। तो इंशाल्लाह घर चलते हैं, उधर जाके मैं ओपन करूँगा और फिर उधर रिकॉर्डिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि मैं क्या क्या लेके आया हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं खाऊँगा और रात तक उस पर सर्वाइव करूँगा। तो आइटम्स बहुत ज़्यादा मिल गई हैं, तो आई होप यू लाइक। तो लेट्स गो। रेड है, सी पर्पल है, ये कपकेक्स, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हम पर्पल फूड चैलेंज का ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या है मेरे पास। एक्चुअली मेरे पास मैं बाय किया है पर्पल ब्रेड है ये, तो इसको यूबी फ्लेवर कहते हैं, पर्पल कलर में आता है, फिलीपींस की हाइपर मार्केट से लेके आए। फिर पर्पल यम जैम है जो कि मैं इस ब्रेड पे लगा के खाऊंगा। अब मुझे भी नहीं पता टेस्ट कैसा है, किस तरह का फ्लेवर है, सो इट्स आल्सो फर्स्ट टाइम फॉर मी आल्सो। तो देखते हैं, बताते हैं। और ये है मिल्क टी जो कि पर्पल फ्लेवर है इसका, ये भी ड्रिंक करते हैं तो पता चलता है कैसा है। नॉट बैड। अंदर से भी पर्पल है पूरी। एक्चुअली नॉर्मल ब्रेड टाइप है, बस कलर है। पर्पल यम शुगर और वाटर, सब कुछ पर्पल। गुड है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मील नंबर 2 है जो कि आप देख रहे हैं, पर्पल फूड चैलेंज 24 आवर्स के लिए जो पर्पल फूड खाना था उसका। तो अभी मेरे पास जो स्टफ़ पड़ा हुआ है मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है।
पहले मेरे पास है शुगर बिस्किट्स जो कि उटाप नाम है इसका, और इसके वो उसके बिस्कुट शुगर बिस्किट्स का मुझे पता नहीं है कलर क्या है, लेकिन बाहर से तो पर्पल लग रहा है, रैप वाइट हुआ हुआ है, लेकिन जब ओपन करेंगे तो देखेंगे अंदर पर्पल है कि नहीं है और इसका टेस्ट कैसा है। सो ये है पर्पल पहली आइटम। और फिर मेरे पास इधर है टोस्टेड वीट केक जो कि पर्पल यम है, फ्लेवर यूबी। अब ये केक है, इसके ऊपर रैप हुआ हुआ है पर्पल, लेकिन इसके अंदर का इसका कलर क्या है ये भी इसको खोल के ही पता चलेगा, अभी मुझे भी नहीं पता अंदर कलर क्या है। अगर पर्पल होगा तो हम खाएंगे और आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है। और मेरे पास है ये कॉकटेल जूस, मिल्को कूल, नो प्रिजर्वेटिव्स। तो ये मिक्स फ्लेवर है तो पर्पल में, तो उसको खोल के देखते हैं अंदर किस तरह का फ्लेवर है, क्या टेस्ट है और क्या जूस है। और तीसरा हमारे पास लास्ट, चौथा हमारे पास लास्ट है, ये है ग्रेप्स का जूस जो कि मोजो जोजो ग्रेप जूस 25% विद नाटा दी कोको। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस बट गो टच यू, पता नहीं क्या है ये है। ये भी पर्पल शेड है लेकिन लाइट है, इसको आप पिंक नहीं कह सकते, एक्चुअली पर्पल ही है। तो उसको खोलते हैं और देखते हैं खा के कि कैसा है और पर्पल भी है कि नहीं। ये पर्पल ही है, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, तो ये पर्पल शेड ही है, पर्पल फ्लेवर है अंदर बिस्किट के अंदर, पर्पल फ्लेवर है तो इट्स ओके, हम ये खा सकते हैं। नॉर्मल बिस्किट की तरह है, बस कलर पर्पल है। ये भी पर्पल ही है। अच्छा उसको भी खोलते हैं हम। खोल जा भाई। पैकिंग इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई हुई। एज ए टॉफी रैप है। ओ ये पर्पल नहीं है, ये वाइट है। ओ तो ये हम नहीं खा सकते, सॉरी ये हमारे साथ धोखा हो गया। बाकी हम ये पी सकते हैं, ये देखते हैं क्या। तो एक्चुअली थोड़ा थोड़ा खाया, उससे पेट फुल नहीं हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ जो डिनर के लिए मेरे पास पड़ा है वो कप केक्स हैं और साथ वेफर बिस्किट्स हैं, वो भी खा लूँ, साथ ड्रिंक भी है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ऑलमोस्ट 7:40 हो रहे हैं। सो
आई थिंक बेटर 8 बजे डिनर किया जाए ताकि रात भी सुकून से गुजर सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम करने लगे हैं अपना डिनर जो कि पर्पल फूड चैलेंज 24 आवर्स का था। तो उस डिनर में हमारे पास क्या क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ ताकि मुझे भूख बहुत लगी है, सच्ची बात है। तो ये हमारे पास कप केक्स हैं जो पर्पल कलर में हैं, आप देख सकते हैं इसके बैक में भी कलर इसका पर्पल है। फिर हमारे पास कुछ कुकीज़ हैं जो कि पर्पल कलर के हैं, इसका फ्लेवर कैसा है, क्या है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, तो वो पर्पल कलर के हैं, तो ये खाएंगे। और लास्ट चीज़ जो मेरे पास मज़े की है वो हैं ये जो चॉकलेट स्टिक्स मार्केट से मिलती हैं वेफर वाली, ये पर्पल कलर में वही वाली चीज़ है यूबी फ्लेवर, तो ये हम खाएंगे। आई होप कि इसका टेस्ट मज़े का हो क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी है और इस तरह के छोटे छोटे मील खा के पेट फुल नहीं होता, आपको भी पता। तो बाकी हमारे पास पीने में ये स्पोर्ट्स ड्रिंक है ग्रेप्स फ्लेवर में, तो ये हम साथ पियेंगे। तो खोलते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका, और मज़े का भी है कि बस बातें बनी हैं। एक्चुअली इधर लाइट कम है क्योंकि ये मैं सोने के लिए आया हूँ, तो लाइट एक ही जलाई है, ज़्यादा नहीं जलाई हुई, तो मैनेज कर लेना यार दोस्तों। सो एज यू कैन सी ये पर्पल है, मैं समझ रहा था चॉकलेट टाइप होगी लेकिन ये टॉफी है, टॉफी। नॉट बैड, टॉफी टाइप है। ओके, अब हम खाएंगे कप केक। कप केक भी पूरे पर्पल है, जिस तरह कैडबरी वगैरह ना वो चॉकलेट में होती है ना चिपकती है दांतों के साथ, टीते इस तरह ये भी। एक्चुअली इसका टेस्ट नहीं है कुछ भी, स्पंज टाइप है ना, तो मज़ेदार आंदे। ये नॉर्मल ग्रेप फ्लेवर है, वरना उसमें गैस वैस कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ड्रिंक है बस।
ये ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा है। आई थिंक ये इजीली ओपन नहीं होगा। मैं इसके कुछ हटके है लेकिन है ये वेफर ही। हाँ मैं एक बार और आपको बता दूँ, जो जितनी भी आइटम मैंने पर्पल में खाई हैं सब हलाल हैं, क्योंकि मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ पढ़ के ख़रीदी हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स कुछ डिफरेंट डली हों। इसमें भी अब आपको मैं बता देता हूँ पढ़ के, फ्लोर है, शुगर है, एग है, बटर है, मिल्क है और इसके अंदर फ्लेवर है यूबी का। तो इस तरह चैलेंज फॉर पर्पल फूड सर्वाइव 24 आवर वाला कंप्लीट हुआ और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें नीचे आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं, नया नया कंटेंट लेके आता रहूं। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात के 12 बज रहे हैं और मुझे भूख लगी है, तो आई विल गो टू किचन टू फाइंड समथिंग लाइक पर्पल। फ्रीजर के अंदर आइसक्रीम पड़ी हुई थी, वो आइसक्रीम खाते हैं। आप लोग सोएं।